वेलकम टू ज़ायरा किचन। आज हम डिज़ाइनर गुजिया बनाएंगे जिसे आप होली पे बना सकते हैं। सबसे पहले मैदा लेंगे 250 ग्राम, 3 चम्मच देसी घी डालेंगे, अच्छे से उसे मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हम इसे कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम एक पैन में 2 छोटे चम्मच घी डालकर उसमें काजू, किशमिश और बादाम का पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मावा डालकर मावे को अच्छे से पकाएंगे। जब मावा हल्के भूरे रंग का हो जाएगा तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मावा जब अच्छी तरीके से सिक जाए तो आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद हम इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर डालेंगे। गरम मावे में चीनी नहीं डालें वरना चीनी का पानी हो जाएगा और हम इसे गुजिया में नहीं भर पाएंगे। अब हम 3 टीस्पून मैदा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट तैयार करेंगे। गुजिया बनाने के लिए हम एक मीडियम आकार की लोई लेंगे, इसे बेलेंगे, चाकू की दूसरी साइड से हम बीच में से इसे एक निशान लगाएंगे। ध्यान रखना है हमें काटना नहीं है, केवल निशान लगाना है। और आधे हिस्से में हमें पतली पतली स्ट्रिप बनानी है। आप ध्यान से इस डिज़ाइन को देखिए, इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप बनानी है। उल्टा करना है चपाती को और फिर दूसरी साइड हमें आधे हिस्से में पतली पतली स्ट्रिप बनानी है। इन स्ट्रिप से ही पूरी डिज़ाइन बनेगी। अब आप इसे वापस उल्टा कीजिए और जहाँ पर आधे हिस्से में स्ट्रिप नहीं बनी हुई है वहाँ पर मावा डाल दीजिए। इसमें मावा बहुत थोड़ी मात्रा में लगेगा। अब आप इसे फोल्ड करिए इस तरीके से और ऊपर के और नीचे के हिस्सों को धीरे धीरे बीच में से घुमा दीजिए और दोनों साइड मैदे का पेस्ट लगाकर आप चिपका दीजिए। इस तरीके से ऊपर की साइड आप चाकू से एक निशान करिए और एक पत्ती का आकार दे दीजिए और वहाँ पर मैदे का पेस्ट लगाकर एक बीच में से कटी हुई बादाम चिपका दीजिए। इस तरीके से सारी गुजियाएं तैयार कर लीजिए। सारी गुजिया बनने के बाद हम इसे घी में फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर फ्राई करने से गुजिया कुरकुरी बनेगी और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। आप चाहे तो फ्राई करने के बाद इसे चाशनी में भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।